हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, आज हम अपने वीडियो में प्लाजो कटिंग, तो फ्रेंड्स मैंने प्लाजो के लिए 2 मीटर कपड़ा लिया है। और फ्रेंड्स, इसका नाप है 40 इंच लंबाई है इसकी और 35 इंच इसकी कमर है। और फ्रेंड्स, इसका हिप है 40 इंच। तो फ्रेंड्स, हम इसको बिछा लेते हैं कपड़े को अच्छे से 4 फोल्ड में। फ्रेंड्स, हमने कपड़े को 4 फोल्ड में बिछा लिया है। ये देखिए, खुली साइड है फ्रेंड्स उस तरफ, और इस तरफ बंद की साइड रखी है हमने। और फ्रेंड्स, जब भी कपड़ा काटे तो उल्टे साइड ही रख करके कटिंग करें। तो फ्रेंड्स, हमारे प्लाजो का कमर है 35 इंच और हिप है 40 इंच और इसकी लंबाई भी 40 इंच ही है। और फ्रेंड्स, इसका कपड़े की लंबाई रखी है हमने 41 इंच और 2 इंच की फ्रेंड लगेगी बेल्ट की, बेल्ट लगेगी प्लास्टिक। और फ्रेंड्स, हम इसे यहाँ से चौड़ा फोल्ड करेंगे तो इस तरह से ये आ जाएगा। चालीस इंच आ जाएगा फ्रेंड्स ये। तो चलिए फ्रेंड्स, कटिंग इसका हम कर लेते हैं। फ्रेंड्स, कमर है इसकी 35 इंच और इसका हिप है 40 इंच, तो कमर भी इसकी हम 40 इंच के हिसाब से ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे इलास्टिक पड़ेगी और ये थोड़ा सा इस तरह से हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम इसमें 10 इंच पर निशान लगा लेंगे और सिलाई के लिए 1 इंच हम लूजिंग रखेंगे इसमें। और यहाँ से हम आसन का निशान लगा लेंगे 12 इंच पर, और 2 इंच हम बाहर की साइड लेंगे। और फ्रेंड्स, हम बॉटम की चौड़ाई 18 इंच लेंगे। और इसमें सिलाई मार्जिन के लिए लूजिंग 1.5 इंच का रखेंगे और 1.5 इंच पर निशान लगा देंगे फ्रेंड्स। और इससे हम आसन को इस तरह से गोलाई का शेप देंगे। और इस निशान से अब हम इस निशान को मिला देंगे फ्रेंड्स। और यहाँ भी फ्रेंड्स, हम 1 इंच कटिंग के लिए सिलाई मार्जिन के लिए रखेंगे और इन दोनों निशान को हम मिला देंगे। तो फ्रेंड्स, हमने इसमें सारा निशान लगा लिया है, हमें इसकी करनी है कटिंग। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कटिंग इसकी और इस तरह से इसको कट करके अलग कर लेंगे।
फ्रेंड्स हमने प्लाजो के लिए रेयान मिक्स कॉटन कपड़ा लिया है। रेयान के कपड़े से प्लाजो बहुत ही अच्छा बनता है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स हम इसकी गोलाई का निशान लगाएंगे अब इधर, इसमें फ्रेंड्स गोलाई देंगे हम यहाँ से हाफ इंच निशान लगाएंगे और इस साइड से भी हम हाफ इंच का निशान लगा के इसे इस तरह से गोलाई देंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हम इसको कट कर लेंगे। फ्रेंड्स हमने इसको हल्का सा गुलाई भी कर दिया है और इसकी कटिंग हो गई फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स हम नेफा के लिए ये जो कपड़ा बचा हुआ है इसी से हम निकालेंगे। प्लास्टिक का नेफा जो बनाना है तो फ्रेंड्स हम इसके इसी से निकाल ले रहे हैं कपड़ा। तो फ्रेंड्स चलिए अब इसकी हम स्टिचिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रेंड्स इसको आसन को पहले स्टिच करेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हम दूसरी साइड आसन को स्टिच कर लेते हैं। और इसे हम इस तरह से सीधा करके रखेंगे फ्रेंड्स। अब हमारे दोनों साइड के आसन स्टिच हो चुके हैं और ये दोनों सिलाई आसन की हम बराबर रखते हुए ऊपर इसे इलास्टिक का नेफा इसमें अटैच कर लेंगे। ये फ्रेंड्स नेफा में हम दोनों साइड से बराबर रखते हुए बीच में कट लगा लेंगे और इस सिलाई के सामने इस कट को रखते हुए मैं यहाँ से स्टिचिंग स्टार्ट करूँगी। और पूरे में राउंड करते हुए सिलाई लगा लेती हूँ।
और फ्रेंड्स ये कपड़ा हमने थोड़ा सा छोड़ दिया है उस साइड, उसे हम फोल्ड करेंगे इलास्टिक डालने के लिए वहाँ से। और दूसरी साइड भी हम इसी तरह से स्टिच कर लेते हैं। इस तरह से फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा लेंगे। दूसरी साइड भी ऐसे ही फोल्ड करके सिल लेंगे फ्रेंड्स। अब इस तरह से हम इसे फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे फ्रेंड्स। 1 इंच का नेफा तैयार हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स इस तरह से हम राउंड करते हुए पूरा नेफा स्टिच कर लेंगे। और फ्रेंड्स ये नेफा हमारा स्टिच हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे इलास्टिक। ये मेरी इलास्टिक बहुत लूज़ है, पतली वाली है, इसलिए मैं इसमें 7-8 इंच कमर की चौड़ाई में से 7 से 8 इंच कम लूँगी इलास्टिक को। और अगर आप चौड़ाई ज़्यादा चौड़ी इलास्टिक ले रहे हैं तो फ्रेंड्स उसमें 5 इंच कम कर दीजिए अपनी कमर से। और इस तरह से हमने इलास्टिक डाल ली है फ्रेंड्स। अब हम इसे स्टिच कर लेते हैं दोनों साइड से। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस तरह से करते हुए एक बार और स्टिच कर लेंगे इसे। ताकि हमारी सिलाई एक साइड दब जाए। तो फ्रेंड्स मैंने इलास्टिक डाल ली है। अब इसे हम ऊपर चढ़ाते हुए कपड़े को ऊपर से स्टिच कर लेंगे।
अब फ्रेंड हम इसके बॉटम को स्टिच कर लेते हैं फोल्ड करके। फ्रेंड्स हमें प्लाजो की जितनी लंबाई चाहिए थी उसमें से जितना एक्स्ट्रा था मैंने उतना बॉटम में फोल्ड करके स्टिच कर दिया है। ये 1.5 इंच, 1.5 इंच का चौड़ाई है फ्रेंड। और इसी तरह से मैं पूरे बॉटम को स्टिच कर लूँगी। ये फ्रेंड्स मैंने स्टिच कर लिया है और इस आसन के बीचों बीच से मैंने मोरी को बराबर रखते हुए सिलाई चलानी है फ्रेंड्स। और ये देखिए दूसरी साइड मोरी में मैंने स्टिच की हुई मोरी से निशान लगा लिया है उसको रखते हुए। और सेम उसी तरह से हम इसे भी फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। अब आसन को हम बीचों बीच रखते हुए दोनों सिलाई को स्टिच कर लेते हैं, दोनों सिलाई को बराबर रखते हुए। और फ्रेंड्स इस तरह से हम इसे निकाल लेंगे। अब हम मोहरी से सिलाई स्टार्ट करते हुए स्टिच करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमने 1 इंच कपड़ा छोड़ते हुए सिलाई चलाई ली है इसमें। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने स्टिच कर लिया है। अब इस कपड़े को हम इस तरह से खींचेंगे और जहाँ से सिलाई चटकेगी उसके ऊपर हम फिर से एक सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स हमने इस पे एक और सिलाई चला ली है और अब हमारा प्लाजो तैयार है। हमने इसकी मोहरी 17 इंच बनाई है। तो फ्रेंड्स